देखिए, आपने ट्वेल्थ पास कर ली, पास आउट हो चुके हैं, अब आप कॉलेज में बीएससी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बीएससी के या तो आपका एडमिशन हो चुका है या आप अभी लेने की एडमिशन सोच रहे हैं और आप बुक्स खरीदना चाहते हैं कि मैं कौन सी बुक लूं। क्योंकि देखिए, आप सबको पता है कि ट्वेल्थ तक तो क्या रहता है, एनसीईआरटी सिलेबस रखता है, तो इसके अंदर क्या होती है, अपन को सिर्फ एक ही बुक की जरूरत रहती है, एक ही मतलब पब्लिकेशन की बुक होती है, वही अपन ले लेते हैं। लेकिन जब अपन बीएससी करते हैं ना, तो बीएससी के अंदर अलग अलग राइटर्स के अलग अलग पब्लिकेशन के द्वारा क्या होती है, बुक्स प्रिंट होती है। अब बात आ जाती है कि कौन से राइटर की लिख, क्योंकि इसके अंदर कुछ राइटर्स होते हैं वो तो इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं वो थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज के अंदर लिख लेते हैं। तो अपन को चाहिए कि जो अपन को कंफर्टेबल हो, मतलब थोड़ी सी इजी लैंग्वेज हो। तो आज की वीडियो में अपन यही बात करेंगे कि आप यदि बीएससी में आ चुके हैं, बुक्स लेने वाले हैं, तो कौन सी बुक्स है वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सबको पता होगा कि आप बीएससी के अंदर यदि आप बायो सब्जेक्ट से हैं तो आपके क्या रहेगा, एक तो रहेगा जूलॉजी, एक रहेगी बोटनी, एक रहेगी क्या रहेगी केमिस्ट्री। टोटल कितने सब्जेक्ट रहेंगे आपके, तो इसके भी कितने पेपर हो जाएंगे, 3 पेपर हो जाएंगे, इसके भी 3 हो जाएंगे और इसके भी कितने हो जाएंगे, 3। टोटल 9 पेपर ये हो गए, ऑप्शनल अलग हो गया, कंप्यूटर का हो गया, एनवायरमेंट का हो गया, हिंदी इंग्लिश ये आपके अलग हो गए। तो देखिए, बात करें जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री के अंदर आप बुक कौन सी लें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको बुक खरीदनी है, आप बुक कौन सी लें। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जूलॉजी की अपन बात करें, कि जूलॉजी के अंदर अपन बात करें तो 2 पब्लिकेशन है इनकी बुक काफी अच्छी आती है। एक पब्लिकेशन तो है आपका सीबीएच पब्लिकेशन, एक है सीबीसी पब्लिकेशन। कौन सा, सीबीएच पब्लिकेशन एंड सीबीसी पब्लिकेशन। सीबीएच पब्लिकेशन के अंदर जो डॉक्टर एसएस जैन है ना, उनकी बुक्स आती है, और जो सीबीसी बुक है इसके अंदर डॉक्टर केसी सोनी की बुक आती है। तो देखिए, यदि आप जूलॉजी के अंदर बुक यदि लेना चाहो तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप सीबीसी जो पब्लिकेशन है इसकी बुक लीजिए, क्योंकि देखिए सीबीएच की भी इजी आती है, आपको ज्यादातर लोग कहेंगे सीबीएच की बुक लो। सीबीएच की बुक के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी, क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, सीबीएच की बुक के अंदर हल्की सी आपको लैंग्वेज हार्ड मिलेगी, दोनों के अंदर काफी कुछ ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको, लगभग सेम चीज मिलेगी। लेकिन अपन कंपैरिजन की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं होगा, 19-20 का आपको अंतर मिलेगा। तो आप सीबीएच की बुक लेना चाहो तो कोई बात नहीं, सीबीएच ले लीजिए, या आप सीबीसी की बुक ले लीजिए, इसकी भी क्या है, जो भी थ्योरी है वो काफी इजी रहती है आपको पढ़ने के अंदर। तो ये तो आपको पता चल गया कि जूलॉजी के अंदर आप कौन सी लेना चाहते हैं, सीबीएच या सीबीसी, इन 2 ही पब्लिकेशन में से ले लेना, मैं रेफर करता हूं आपको सीबीसी की। अब जूलॉजी के अंदर 3 सब्जेक्ट आपके आ जाते हैं, एनिमल डायवर्सिटी आ गया, सेल बायोलॉजी आ गया, गैमेट्स डेवलपमेंट बायोलॉजी आ गया। इसके अंदर आप सीबीसी की लेना चाहो तो ये ले लीजिए, या आप सीबीएच पब्लिकेशन की ले लीजिए। अब बात करते हैं बोटनी के अंदर भी 3 सब्जेक्ट आते हैं। अब बोटनी के अंदर क्या होता है, एक तो आती है आपकी आरबीडी पब्लिकेशन, एक तो आती है आरबीडी पब्लिकेशन, एक आ जाती है आपकी सीबीएच पब्लिकेशन, एक आ जाती है आपकी सीबीएच पब्लिकेशन। अब बात करें इन दोनों पब्लिकेशन में से अपन कौन सी बुक ले, तो देखिए इनकी यदि मैं बात करूं तो थोड़ा सा यदि इजी आपको लैंग्वेज चाहिए तो वही बात वापस आ जाती है कि आप आरबीडी को प्रेफर करते हैं, कि आरबीडी की बुक ले लीजिए, आरबीडी में जो एसएस धनखड़ है ना उनकी बुक लीजिए, किसकी, एसएस धनखड़ की बुक ले लीजिए। और सीबीएच की बात करें, सीबीएच के अंदर आ जाता है डॉक्टर कैलाश अग्रवाल की ले लीजिए। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आरबीडी की बुक लेने की कोशिश करते हैं, आरबीडी की नहीं मिलती है तो आप सीबीएच की भी बुक ले लीजिए, क्योंकि सीबीएच की बुक तो आपको हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये एकदम, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज के अंदर टीचर भी आपको यही बोलेगा कि आप सीबीएच की बुक ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्केटिंग है ना वो सीबीएच की हुई है, इनकी थोड़ी सी मार्केटिंग कम है, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है ना पढ़ने की वो आपको अच्छी मिलेगी। तो ये लेना चाहें तो आप आरबीडी की ले लीजिए या फिर आप सीबीएच की ले लीजिए। वैसे बेस्ट बुक की अगर बात करें तो बेस्ट बुक आप सीबीएच को बोल सकते हैं, लेकिन सीबीसी जो आरबीडी है ना इनके अंदर आपको ज्यादा कुछ अंतर नहीं मिलेगा, बस लैंग्वेज इनके अंदर काफी इजी आएगी, आपको कोई भी चीज समझनी है तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। बोटनी के अंदर आपका पेपर 3 आ जाते हैं, कौन कौन सा आ गया, सेल बायोलॉजी आ गया, जेनेटिक्स। देखिए जूलॉजी का और जो बोटनी का, जूलॉजी का सेकेंड पेपर और बोटनी का फर्स्ट पेपर दोनों के दोनों सेम है, बस अंतर आ जाता है बोटनी के अंदर, एक क्या आ गया, प्लांट ब्रीडिंग ज्यादा ऐड हो गया, मतलब जो सेल बायोलॉजी है एंड जो आपकी जेनेटिक्स है दोनों के अंदर सेम है, बस प्लांट जो, मतलब जो प्लांट क्या बोलते हैं उसको, ब्रीडिंग, वो क्या है थोड़ी सी डिफरेंस मिल जाएगी, कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है ना। अब बात कर लेते हैं तीनों बुक की, अपन ने बात कर ली ब्रायोफाइटा और जो माइक्रोबायोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी, ये सब कुछ आ गया साथ में, एल्गी एल्केन एंड जो आपका क्या बोलते हैं उसको, ब्रायोफाइटा, सॉरी। अब अपन बात कर लेते हैं आगे केमिस्ट्री के,
बात की कि केमिस्ट्री की बुक की अपन बात करें तो केमिस्ट्री के भी कितने पार्ट आ गए आपके, तीन पार्ट आ गए, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनकी बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर आप ले लीजिए सीबीएच की, केमिस्ट्री में किसकी ले लीजिए आप, सीबीएच की बुक ले लीजिए। और सीबीएच के अंदर राइटर की बात करें तो राइटर आ जाता है जीके रुस्तगी, कौन आ जाता है, जीके रुस्तगी की आप बुक ले लीजिए सीबीएच पब्लिकेशन की। तो बात करें जूलॉजी, जूलॉजी में मैं रेफर करता हूं आपको सीबीसी बुक के लिए, एंड जो बोटनी है उसके अंदर आरवीडी बुक के लिए, एंड केमिस्ट्री के अंदर सीबीएच बुक के लिए आपको प्रेफर किया जाता है। तो और भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लेक्चर्स है वो मैं आपको, जो भी बोटनी जियोलॉजी के लेक्चर्स है ये भी आपको अवेलेबल मिलेंगे जब आपके एग्जाम पास में आएंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कौन से आ सकते हैं वो भी मिलेंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस है, जो पेपर मैंने बना रखे उनमें से देख लीजिए, 99% चांस रहता है, 99% चांस रहता है कि जो मैं क्वेश्चंस बताता हूं एग्जाम के अंदर वही आपको देखने को मिलते हैं आपके पेपर के अंदर। तो चलिए और अपन लेक्चर्स के अंदर फिर से मिलते ही रहेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।